الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. मुतफ़न अलई काबिल अहतराम दीनी मेरी भाइयों अबू हरा रदी अल्लाह तहों की एक हदीस मैंने आपके सामने अभी पेश की है इस हदीस का ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगी से है इस हदीस के अंदर रसूल अलैहि वसल्लम ने हमें यह पैगाम दिया है कि अगर हम सुकून की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए अगर हम आलमीन की नेमतों पर शुक्र अदा करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए सबसे पहले नंबर पर दो चीज़ें हम समझ लेते हैं एक हमारे सामने है दीन, दूसरे नंबर पे हमारे सामने दुनिया दीन और दुनिया ये दोनों अलग अलग, अलग चीज़ें हैं दीनी मामला में हमें किसे देखना है दुनियावी मामला में हमें किसे देखना है ताकि दोनों एतबार से हम एक कामयाब जिंदगी गुजार सकें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो तुमसे कमतर लोग हैं तुम उन लोगों को देखो क्यों अगर तुम अपने से निचले लोगों को देखोगे तो ये इस बात के ज्यादा करीब है कि तुम रबालमीन की किसी भी हिम्मत को हकीर ना समझो हदीस का मतलब यह है कि दुनियावी मामलात में हमें हमेशा अपने से नीचे वाले लोगों को देखना चाहिए कमतर लोगों को देखना चाहिए क्यों अगर हम दुनियावी मामलात में अपने से नीचे वाले लोगों को देखेंगे तो सबसे पहले नंबर पर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करेंगे हम अल्लाह रब्बुल का शुक्रिया अदा करेंगे आपके पास लाख रुपए हैं, लेकिन एक शख्स जिसके पास पचास हजार रुपए हैं, और एक शख्स जिसके पास अरबों रुपए हैं, किसे आप देखेंगे जिसके पास पचास हजार रुपए हैं, आप उसे देखो अपने से नीचे वाले को देखो अगर अपने से नीचे वाले को देखोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करोगे कि रब कम से कम मेरे पास एक लाख तो रुपया है माशरे में कोई ऐसा भी है जिसके पास पचासी हजार रुपया है सिर्फ रुपए पैसे ही में नहीं आप सेहत याब हैं या आपको थोड़ी बहुत बीमारी है लेकिन आपके बगल में एक शख्स ऐसा है जो बहुत ज्यादा बीमार है और तीसरा शख्स ऐसा है जो मुकम्मल तौर पर सेहत याब है किसे आप देखेंगे जो थोड़ा बहुत बीमार है आपके बगल में उसे देखो जब उसे देखोगे तो रब्बुल का शुक्रिया अदा परवरदिगार मैं जिस हालत में हूं तेरा शुक्र है तेरा एहसान और करम है इसी तरीके से मेरे भाइयों, जब हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और ज्यादा देगा ला इन शकर तुम ला अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे तो मैं तुम्हारे मालो जायदाद में तुम्हारी चीजों में और ज्यादा इजाफा कर दूंगा इसी तरीके से नंबर दो अगर हम अपने से नीचे वाले को देखेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमें शिकायत नहीं होगी लेकिन अपने से ज्यादा मालदार को देखेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमारी कहीं ना कहीं शिकायत हो जाएगी कि अ परवरदिगार तूने तो उसे इतना सारा दे रखा है और मुझे कुछ भी नहीं दिया है इसी तरीके से हसद की बीमारी भी हमारे यहाँ पैदा हो सकती है अपने से ज्यादा मालदार को देखोगे तो आपके यहाँ हसद की बीमारी पैदा हो जाएगी और यह हसद की बीमारी इंसानियत के लिए सबसे ज्यादा कुन है इस वजह से दुनियावी मामलात में अगर सुकून के साथ रहना चाहते हो तो अपने से नीचे वाले को देखो सुकून की जिंदगी गुजारोगे अपने से ज्यादा मालदारों को देखोगे तो हमेशा परेशान रहोगे ये तो मामला किस चीज का हुआ दुनियावी मामला दीनी मामले में हमें क्या करना है दीनी मामले में हमें अपने से नीचे वाले को नहीं देखना है बल्कि दीनी मामले में हमें अपने से ऊंचे वाले को देखना है दीन के मामले में हमारी शरीयत का हुक्म क्या है कि खैर के काम में आगे निकलने की कोशिश करो अगर कोई चार रकात नफल करता है तो आप कितना करो छह करो आठ करो दीनी मामले में आगे निकलने की शरीयत हमें तालीम देती है लिहाजा कोई यह नहीं कहेगा इस हदीस से कि दीनी मामलात में हम किसे देखेंगे अपने से नीचे वाले को नहीं दीनी मामलात में हमें अपने से ज्यादा जो इबादत करने वाले हैं रब को खुश करने वाले आमाल जो हमसे ज्यादा करते हैं हमें उनको देखना है ताकि हम उनसे ज्यादा आलमीन की इबादत कर सके तो यह इस हदीस का पैगाम है जो मैंने आपके सामने पेश किया अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है तू हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पर अमल करने की तौफीक दे आमीन व वरम ऐसे ही फायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब सुन्नत की तालीमत को आम करने में हमारा ताउन करें ताकि आपके लिए जरिया नजात जन्नत के हसूल का सबब साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने आमीन जजाकल्ला